नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ स्टेशन मास्टर प्रभास जी हैं, जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 स्टेशन मास्टर चेन्नई डिवीजन में अपनी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है। तो सबसे पहले पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से हम लोग प्रभास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला ताकि अपना डिटेल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सके, जिससे आप लोग कुछ जानकारी मिल सके। तो प्रभास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। हाँ सर, जी, तो प्रभास जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा हमारे सब्सक्राइबर्स को। हाँ सर, मैं प्रभास चंद यादव चेन्नई बोर्ड से हूँ सर। मेरा घर बांका बांका बिहार है। जी, तो बताइए प्रभास जी, कैसा रहा आपका ये सफर फॉर्म भरने से लेकर के स्टेशन मास्टर बनने तक का? हाँ सर, बढ़िया रहा सर। जी, तो बताइए आपका CVT 1 में रॉ मार्क्स कितना था प्रभास जी? 76 था सर, नॉर्मलाइज मार्क करके 89 पॉइंट समथिंग हुआ था सर। जी, तो आप पहले भी सारे लेवल क्वालिफाइड थे और बाद में भी सारे लेवल क्वालिफाइड थे। ठीक हाँ सर, सारे लेवल क्वालिफाइड थे। लेवल है, और लेवल 6 में आपका कितना स्कोर था? 6 में 1115 यानी 115 अटेम्प्ट था सर मेरा, जिसमें लगभग 88.47 मार्क्स मेरा बन रहा है। उसके बाद जी 70-30 करके 73.67 हुआ, जो कि चेन्नई बोर्ड में मेरा 5 रैंक दिखा रहा था सर। अच्छा, ये रैंक IQ पे। नहीं सर, वो जो रोल नंबर के बगल में मेंशन था और उसी हिसाब से वहां पे जो अभी डीवी के समय गए, तो सबसे पहले जिसका ऊपर था उसी को बुला रहा था। अच्छा, सबसे ज्यादा नंबर वालों का सबसे पहले मतलब कि वो प्रक्रिया कंप्लीट करवाया जा रहा था। हाँ सर, हाँ सर, मतलब जो जैसे 14 को हम रिपोर्ट किए, तो सबसे पहले जो भी गए थे लड़का सर, जो जिसका सबसे आगे था, तो उसको सबसे पहले मतलब पहले वो जाके अपना रोल नंबर वो मेंशन किए होंगे, फिर भी जिस बाद में भी किए थे तो पहले हमको बुलाया गया। अच्छा, मतलब कि शायद इस बात का ध्यान रखा जा रहा होगा कि सीनियरिटी उसी को मिले जिसका ज्यादा नंबर हो। हाँ सर, हाँ सर, अच्छा ठीक है, आप लेवल 5 में आपका कितना स्कोर था? 92 सर, लेवल 3 लेवल 3 88.66, और लेवल 2? लेवल 2 90 सर। जी, तो अभी आपका लेवल 5 का रिजल्ट आ चुका है। यस सर, सारे लेवल में क्वालिफाई है। तो लेवल 5 में तो आपका नाम नहीं आया होगा, नहीं, नहीं आया सर। क्योंकि आपने अंडरटेकिंग फिलअप कर दिया था लेवल 6 में। हाँ सर, और टाइपिंग क्वालिफाइड थे आप? नो सर, टाइपिंग नॉट क्वालिफाइड सर। टाइपिंग नॉट क्वालिफाइड, ओके। ग्रुप D की परीक्षा दिए थे, कैसा यस सर, रहा? बढ़िया रहा सर। 18 रन हुआ, 76 मार्क्स बन रहा है, 100 अटेम्प्ट था। अच्छा, और अटेम्प्ट कितना किए थे? 100 अटेम्प्ट किए थे सर, 18 रन हुआ, 76 मार्क्स दिखा रहा है, 76 मार्क्स अच्छा, आया है सर। जी, तो आप तो ग्रुप D की प्रक्रिया में आगे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नहीं सर, जी, तो ये आपका पहला सक्सेस है, इससे पहले भी आप कोई जॉब पा चुके हैं? नहीं सर, पहला जॉब जॉब एक तरह से मिला है सर, इससे पहले किसी में नहीं। रिजल्ट हुआ था सर, लेकिन सिलेक्शन नहीं, पूरा नहीं हुआ था। कौन कौन से में रिजल्ट हुआ था? जैसे सर, सीजीएल का प्री में 2 बार रिजल्ट हुआ, मेंस में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रह पाया, फिर वैसी तरह एमटीएस में भी मेरा सर मेरिट नहीं बना। उसके बाद सर सीएचएसएल में भी मतलब रिजल्ट हुआ सर, टाइपिंग अच्छा नहीं गया इसी टाइप से, और इसी तरह टेक्नीशियन सब में भी अच्छा खासा नंबर था, लेकिन पीसीएम से रहने के बाद उसमें नहीं हो पाया था। अच्छा, तो मतलब कि इस बार आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। नहीं सर, जी, तो आप इस बार जो CGL की वैकेंसी आई है, उम्मीद है कि उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे। हाँ सर, जी, तो आपका DV कब हुआ था? डीबी सर 28 सितंबर को हुआ था। जी, उस समय हम लोग भी वहीं थे, आरआरबी चेन्नई में। हाँ सर, आपसे तो मुलाकात नहीं हो पाया थी, लेकिन मतलब कोशिश किया लेकिन मुलाकात नहीं हो पाया था। कोई बात नहीं, तो उमंग स्टडी के साथ जुड़ने का मौका कब मिला और उमंग स्टडी के साथ अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा सर, 2019 से ही सर आपका फॉलो कर रहे हैं। आज कोई भी अपडेट होता था सर, सबसे पहले आप भी अपडेट करते थे, अच्छा लगता था, पूरा डिटेल से समझा देते थे सारा बात।
और आपका मेडिकल कहाँ हुआ था? पालघाट सर। तो कितना टाइम लगा था मेडिकल होने में? एक दिन गए सर, उसका नेक्स्ट डे मतलब रिपोर्ट, जिस दिन रिपोर्ट करने बोला उस दिन सर नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट डे फिर एक दिन में कंप्लीट हो गया था सर प्रक्रिया। अच्छा, तो अभी आप लोगों का ज्वाइनिंग कितने तारीख को गए थे आप ज्वाइनिंग के लिए? 14 को रिपोर्ट किया सर, तो 21 को शपथ पत्र जो था वो सर्टिफिकेट वो लेके बुला रहे हैं सर, तो हमको जैसा लग रहा है कि 21 के बाद ही मतलब 22 सबको भेज सकते हैं। तो 22 नवंबर को प्रधानमंत्री जी के द्वारा रोजगार मेला रखा गया है, तो उसके संबंध में आप सभी को कुछ जानकारी दी गई है क्या? नहीं सर, खाली यही बोला गया है कि 21 को रिपोर्ट करना है। कहाँ? चेन्नई डिवीजन? यस सर, चेन्नई डिवीजन में। अच्छा ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तैयारियां कर रहे हैं, उम्मीद है कि बहुत सी नई वैकेंसी आएगी रेलवे में, जिसमें एलपी टेक्नीशियन की भी वैकेंसी होगी वगैरह वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी वैकेंसी होगी, तो उन नए छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर यही बोल रहे मन लगा के तैयारी करते रहे, जरूर होगा, प्रैक्टिस सेट जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाते रहे, तो मैथ रीजनिंग से समय पे हो जाएगा, अगर अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे तो मॉक लगाते रहेंगे तो, जिससे टाइम का वहाँ मैनेजमेंट में आसानी रहे और अपना मार्क्स भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप बताइए कि आप तैयारियां किस तरह से किया करते थे? हम सर 2 मॉक पर डे लगाते थे टेक्स्ट बुक पे, जैसे सीजीएल हो गया या एनटीपीसी का ही या किसी से भी, 2 सेट पर डे लगाते थे, उसके बाद उसका अच्छा से रिवाइज कर, तो जो देखते थे जो पर्सन मेरा वीक है या टू है उस पर मेहनत करते थे और फिर उसके रिलेटेड पढ़ाई करते थे। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट कितना फायदेमंद साबित हुआ आपके लिए? बहुत अच्छा सर, टेक्स्ट बुक पे ही प्रीवियस ईयर का मिल जाता था, सीजीएल सीएचएसएल ये सब का प्रीवियस ईयर का कंटेंट, तो प्रीवियस ईयर ज्यादा वो करते थे, उसके बाद उसका जो मॉक भी रहता था तो मॉक भी लगाते थे और उसका जो है सोल्यूशन देखते उसमें अच्छा से रहता था, जो अगर एक दो इधर उधर नहीं बना तो उसका सोल्यूशन देख लेते थे, अच्छा रहता था, बहुत फायदेमंद रहा। तो आपके फाइनल सिलेक्शन में टेस्ट बुक का कितना प्रतिशत रोल है? सर बहुत सर, हम टेक्स्ट बुक पे ही 90% सर टेक्स्ट बुक से ही हम जो है कि टेस्ट ज्यादातर दिया, ऑनलाइन मोड में टेक्स्ट बुक से ही दिया करते थे जी। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ फ्रेंड, टेक्स्ट बुक पे अभी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल ऑफर चल रहा है, ये ऑफर कल रात 12 बजे तक के लिए केवल और केवल वैलिड है, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को जो टेक्स्ट बुक पास है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है मात्र ₹270 में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक प्रिंट किया मिलेगा, उस पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड उमंग10 इसको अप्लाई करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। तो आप इसको एक सक्सेस मानते हैं प्रभास जी? यस सर। इस सक्सेस का श्रेय किनको देना चाहते हैं? फैमिली मेंबर को, फ्रेंड्स को और टीचर सबको। और कोई फाइनल मैसेज प्रभास जी? हाँ सर, फाइनल मैसेज नहीं समझ पा रहे हैं सर, फाइनल मैसेज हमारे सब्सक्राइबर से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, अंतिम संदेश, इसके बाद हम लोग इस इंटरव्यू को एंड करेंगे। उमंग स्टडी पे जुड़िए, उमंग स्टडी अच्छा है, वो सारे रिपोर्ट जो भी न्यू रहता है अच्छा से तुरंत समझा दिया करते हैं सर, सनो सर जो है कि विद्यार्थी के लिए बहुत ही अच्छा प्रेरणा देते हैं, जो जुड़े रहे सब्सक्राइब करें सनो सर को चैनल को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखे उन सभी स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, प्रभास सर का नंबर है हमारे पास, हम लोग इनसे आपके सवालों को कलेक्ट करके इनका नेक्स्ट इंटरव्यू भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।